सन 1911 में आज ही के दिन बांसुरी के मसीहा, नई बांसुरी के जन्मदाता और भारतीय शास्त्रीय संगीत के युग पुरुष पंडित पन्नालाल घोष का निधन हुआ था। मुगल आजम, बसंत बहार, बसंत दुहाई, अनजान और आंदोलन जैसी कई मशहूर फिल्में हैं जिनके संगीत के साथ पंडित पन्नालाल घोष का नाम जुड़ा है। आज के दिन सन 1953 में कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ था। रिहा होने वाले 100 संयुक्त राष्ट्र सैनिकों में 12 ब्रितानी, 30 अमेरिकी, 50 दक्षिण कोरियाई, 4 तुर्की और 1 फिलीपींस के सैनिक थे। आज के दिन सन 1970 में महान शायर और गीतकार शकील बदायूनी का निधन हुआ था। शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनमें उनकी मुख्य फिल्में दर्द, चौदहवीं का चांद, मेला, मदर इंडिया, दुलारी, मुगले आजम हैं। शकील को लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन सन 1972 में अपोलो 16 अभियान 6 घंटों तक संकट से जूझने के बाद अंततः चंद्रमा पर उतरा था। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चांद पर उतरने वाली इतिहास की 5वीं टीम बनी। और आज के दिन सन 1999 में अमेरिका के कोलोराडो के कोलंबाइन हाई स्कूल में 2 छात्र एरिक हैरिस और डिलेन क्लेबोल्ड ने अंधाधुंध फायरिंग कर 25 लोगों की हत्या कर दी थी। साथ ही छात्रों की हत्या करने के बाद दोनों ने खुद को भी गोली मार ली थी। बाद में पता चला कि एरिक और डिलेन ट्रेंच कोट माफिया के सदस्य थे। हैरिस को बंदूक बेचने वाले और 100 राउंड गोली सप्लाई करने वाले मार्क मैनेस को 6 साल की सजा सुनाई गई।